मानवाड़ी महोबा समितियों में खाद का अभाव किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या साबित हो रहा है। समय से फसलों की बुआई के लिए किसान लगातार खाद लेने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकासखंड में रवि की बुआई के साथ समय से वर्षा होने पर किसानों ने खेतों को तैयार कर समय से बुआई करने के लिए अच्छी फसल की उपज के लिए बुआई में DAP खाद की आवश्यकता पर विकासखंड में नॉन समितियों में खाद का अभाव बताया। इसी से किसान रात रात भर जागकर समितियों में डेरा डालकर खाद आने के इंतजार में बैठे हुए हैं। कस्बे में पाठकपुरा स्थान पर खाद होने के परिणाम स्वरूप किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लाइन में लगे किसानों का कहना है कि सुबह से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद प्राप्त नहीं हो पाई। जबकि इस संबंध में खाद बांट रहे व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण खाद वितरण करने में समस्या आ रही है। किसानों द्वारा DAP खाद प्राप्त करने के लिए दुकानों पर सुरक्षा में लगी पुलिस से भी लाइन में लगे अपने नंबर की नोकझोंक करते देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट दुकानों में DAP खाद की कीमत 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति बोरी को लेकर किसानों की जेबों पर सीधा डाका डाला जा रहा है। क्षेत्र के किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की कि समय से DAP खाद सुलभ कराई जाए, जिससे खेत में बुआई समय से हो सके। अगर समय पर अधिकारियों द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाती है तो किसान खेतों की बुआई करने में असमर्थ हो जाएगा। भैया आपका क्या नाम है? नरेंद्र यादव, मेरा प्रधान प्रतिनिधि। आज आप कहाँ यहाँ पे किस लिए आए? खाद के लिए। कितनी देर से खड़े हैं, क्या समस्या हो रही है? लाइन में लगे खाद नहीं मिल रहा। आपने कहा खाद बांटने वाले से, क्या बोल रहा है? कहा खाद नहीं मिलेगी, बोले है ही नहीं। आप सुबह कितने बजे आ गई थी? 7 बजे आ गई थी। अभी तक खाद मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अभी भी लाइन में लगे हुए? लाइन में लगे हैं।